क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज आईपीएल 2019 का 10वां मैच खेला गया, जो बड़ा ही रोमांचक मैच था। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीएल 2019 का अब तक का पहला मैच था जो सुपर ओवर में पहुंच गया था। दोस्तों, ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान था। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और फिर केकेआर ने दिल्ली कैपिटल को 186 रन का टारगेट दिया और दिल्ली कैपिटल ने 186 रन के ताकत में मैच आखिरी ओवर में पहुंच गया था। अब 6 बालों पर 6 रन की थी। ये लास्ट ओवर कलकत्ता नाइट राइडर्स के कुलदीप यादव ने कराई और अपनी अच्छी बॉलिंग से ये मैच लेवल कर दिया और दिल्ली कैपिटल ने 185 रन बनाए, जिस पर मैच लेवल हो गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल के ओपनर बैट्समैन पृथ्वी शाह ने अपनी सेंचुरी 1 रन से मिस भी की। दोस्तों, मैच अब सुपर ओवर को पहुंच गया था। दोस्तों, पहले दिल्ली कैपिटल ने कोलकाता नाइट राइडर के 6 बालों का सामना करने के लिए ऋषभ पंत और कैप्टन श्रेयस अय्यर आए और कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से बॉलिंग के लिए कृष्णा आए। पंत ने कृष्णा की पहली बॉल पर अय्यर को सिंगल दिया। अब दूसरी बॉल पर श्रेयस अय्यर ने फाइन लेग की तरफ चौका मारा और तीसरी बॉल पर कृष्णा ने अय्यर को आउट कर दिया, जिसके बाद पृथ्वी शाह बैटिंग के लिए आ गए और स्ट्राइक पर ऋषभ पंत आए हुए थे। पंत ने चौथी बॉल पर डबल बनाया और पांचवी बॉल फिर डबल और लास्ट बॉल पर सिंगल। इस तरह दिल्ली कैपिटल ने 11 रन कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ बनाए। अब कलकत्ता नाइट राइडर की बैटिंग में ओपनिंग के लिए एंड्रयू रसल और कैप्टन कार्तिक आए, जबकि दिल्ली कैपिटल की तरफ से बॉलिंग में रबाडा आए। रसल ने रबाडा की पहली फुल टॉस बॉल पर स्क्वायर लेग की तरफ चौका मारा। अब रबाडा ने दूसरी बॉल बीट कर दी और तीसरी बॉल पर रसल को क्लीन बॉल कर दिया। इसके बाद बैटिंग के लिए उथापा आए, जिसने चौथी बॉल पर सिंगल लेग कर कार्तिक को स्ट्राइक पर किया। अब कार्तिक ने पांचवी बॉल पर फिर सिंगल बनाया। इस तरह लास्ट बॉल पर कोलकाता नाइट राइडर को 5 रन की जरूरत थी, जिस पर उथापा ने सिंगल बनाकर इस मैच को जीतने में नाकाम हुआ और इस तरह दिल्ली कैपिटल ये शानदार मैच कोलकाता नाइट राइडर से जीत गई और आखिर में पृथ्वी शाह को इस मैच का मैन ऑफ द मैच करा दिया गया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करें और आईपीएल 2019 की हर मैच की ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।